तो लास्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। आज भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन पढ़ेंगे और वो एप्लीकेशन होगा इन डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, टाइम एंड वर्क, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस एटसेट्रा। ठीक है, तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं इन डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। ठीक है, तो एप्लीकेशंस इन डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। तो तुम्हें पता होगा कि अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो लिख सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है एवरेज स्पीड के लिए, लेकिन तुम्हारे बुक में अगर कुछ नहीं मेंशन किया हुआ रहे तो स्पीड मीन्स कांस्टेंट स्पीड, मीनिंग वी कैन यूज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और अगर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो टाइम को लिख सकते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इधर ले आओ, स्पीड इधर ले जाओ, तो यहाँ से तुम चाहो तो लिख सकते हो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर डिस्टेंस चाहिए तो टाइम इधर ले आ, तो डिस्टेंस इक्वल टू होगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस का ज़रूरत पड़े तो तुम लिख सकते हो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अब तुम्हें बस यही फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये दोनों तो इसी से डिराइव हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम है, इफ द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इज रिड्यूस्ड बाय 40 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 20 मिनट्स मोर टू कवर 1200 किलोमीटर, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो क्वेश्चन में एक एरोप्लेन है जिसका स्पीड नहीं दिया हुआ है, लेकिन डिस्टेंस दिया हुआ है 1200 किलोमीटर, और क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि अगर स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर जाए तो इट टेक्स 20 मोर मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1200 किलोमीटर। तो बताना है कि व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो मान लो कि एरोप्लेन का ओरिजिनल स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो लेट द स्पीड ऑफ एरोप्लेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस स्पीड पे 1200 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो हमें पता है कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस 1200 किलोमीटर हो जाए तब उस केस में टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर, स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आवर, तो टाइम मिलेगा 1200 अपॉन एक्स आवर। और मान लो कि दिस टाइम इज t1, बस मान लीजिए कि दिस टाइम इज t1। ठीक है, तो t1 इज 1200 अपॉन एक्स आवर। इसके बाद क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि अगर स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस हो जाए तो इट टेक्स 20 मोर मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1200 किलोमीटर। तो अगर ओरिजिनल स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर है और इससे 40 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो न्यू स्पीड कितना होगा, एक्स माइनस 40 किलोमीटर पर आवर। तो न्यू स्पीड है एक्स माइनस 40 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस लेकिन अभी भी 1200 किलोमीटर ही है। तो टाइम के लिए फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मान लो कि न्यू टाइम है t2। ठीक है, डिस्टेंस अभी भी 1200 है और न्यू स्पीड है x मास 40,
तो न्यू टाइम टी टू इक्वल टू 1200 अपॉन एक्स मास 40 आवर, ठीक है। और क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि टी टू टी वन से 20 मिनट ज़्यादा है। 20 मिनट बोलने का मतलब हुआ 20 अपॉन 60 आवर, क्योंकि हमें पता है कि 1 आवर इज 60 मिनट्स, तो इसलिए 20 मिनट्स को हम लिख सकते हैं 20 अपॉन 60 आवर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी टू मास टी वन इक्वल टू 20 मिनट विच इज 20 अपॉन 60 आवर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी टू मास टी वन इक्वल टू 20 मिनट विच इज 20 अपॉन 60 आवर। टी टू है 1200 अपॉन एक्स मास 40, और टी वन है 1200 अपॉन एक्स, और राइट साइड में 20 अपॉन 60 मिलेगा 1/3, और दोनों साइड में टाइम आवर में ही है, तो एच लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में दोनों जगह न्यूमरेटर में 1200 है, तो 1200 कॉमन निकाल लो। इधर बचा 1/x मास 40 माइनस, इधर बचा 1/x और राइट साइड में 1/3, तो 1200 इंटू, इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो पहले इन दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम होगा एक्स इंटू एक्स मास 40। अब एक्स इंटू एक्स मास 40 को एक्स मास 40 से डिवाइड करो तो मिलेगा एक्स, और एक्स इंटू वन इंच एक्स, फिर माइनस एक्स इंटू एक्स मास 40 को एक्स से डिवाइड करो तो मिलेगा एक्स मास 40 इंटू वन इज एक्स मास 40, और राइट साइड में 1/3, ठीक है। तो 1200 इंटू, और यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 40, तो न्यूमरेटर में 40 और डिनोमिनेटर में एक्स इंटू एक्स मास 40, ठीक है, और राइट साइड में 1/3। इसको बढ़िया से कुछ ऐसे भी लिख सकते हो कि न्यूमरेटर में 1200 इंटू 40 है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में एक्स इंटू एक्स मास 40, और राइट साइड में 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मिलेगा 1200 इंटू 40 इंटू 3, और राइट साइड में 1 इंटू एक्स मास 40, तो राइट साइड में मिला एक्स इंटू एक्स मास 40। इसके बाद 4 3 12 इंटू 12 144, तो 144 2010 मतलब 30, राइट साइड में एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 40, और पहले से मास तो मास 40x। अब इस 144 000 को इधर ले चले जाओ तो मिलेगा एक्स स्क्वायर मास 40x मास 144 000, और लेफ्ट हैंड साइड में 0 बचेगा, तो मैंने उल्टा लिख दिया, आरएचएस वाले को एलएचएस में लिख दिया, एलएचएस वाले को आरएचएस में लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तुम ए इक्वल टू बी बोलो या बी इक्वल टू ए बोलो, बात तो एक ही है, ठीक है। अब इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला से सॉल्व कर लो, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मास 4ac अपॉन 2a, तो बी है मास 40, तो मास बी हुआ माइनस ऑफ मास 40 प्लस मास अंडर रूट बी स्क्वायर मीनिंग मास 40 का स्क्वायर विच इज 1600, और मास 4ac, 4 तो 4 है, a 1 है और c है मास 144 000, तो मिलेगा 576 000, और मास मास प्लस हो गया अपॉन 2a, a 1 है तो 2 × 1 = 2, माइनस ऑफ मास 40 = +40 प्लस माइनस अंडर रूट 1600 प्लस 576 000, तो मिलेगा 006775 अपॉन 2। इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, इसका स्क्वायर रूट मिलेगा 760, तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो मिला 40 प्लस मास 760
अपॉन टू, तो यहाँ से एक बार प्लस देना पड़ेगा एक बार माइनस देना पड़ेगा। तो अगर प्लस देते हैं तो 40 प्लस 760 इज 800 अपॉन टू, और अगर माइनस लेंगे तो 40 माइनस 760 इज माइनस 720 और अपॉन टू, तो 800 अपॉन टू इज 400 और माइनस 720 अपॉन टू इज माइनस 360। लेकिन एक्स तो स्पीड ऑफ एरोप्लेन है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू माइनस 360 पॉसिबल नहीं है, तो एक्स कितना होगा 400, मतलब स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज 400 किलोमीटर पर आवर। तो इसलिए आंसर होगा स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 400 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पहले हम लोग मान लिए कि स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज एक्स किलोमीटर पर आवर, फिर जो जो दिया हुआ था वो करते गए और आराम से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते गए, प्रॉब्लम बन गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट ए सर्टेन स्पीड, हैड द स्पीड बीन 12 किलोमीटर पर आवर मोर, द टाइम टेकन फॉर द जर्नी वुड हैव बीन 1 hour 40 minutes less. Find the original speed of the car. तो प्रॉब्लम में एक कार है जिसे 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। प्रॉब्लम में स्पीड ऑफ द कार नहीं दिया हुआ है, तो मान लो कि स्पीड ऑफ द कार भी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ द कार बी x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस दिया हुआ 400 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस इज 400 किलोमीटर, तो टाइम कितना होगा, तो हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम बोल सकते हैं कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इधर चला गया, स्पीड इधर चला गया, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मान लो इस केस में जो टाइम है वो है t1, और इस केस में डिस्टेंस कितना है तो 400 किलोमीटर, स्पीड क्या है x, तो t1 इक्वल टू 400 अपॉन x आवर, ठीक। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होता तो टाइम 1 hour 40 मिनट कम होता है। तो अगर स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाए तो न्यू स्पीड क्या होगा, तो x प्लस 12 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि पहले का स्पीड x किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। तो इफ स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर मोर, तब इस केस में न्यू स्पीड क्या होगा, तो इस केस में न्यू स्पीड होगा x प्लस 12 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस तो 400 किलोमीटर ही है, तो इसलिए जो न्यू टाइम होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन न्यू स्पीड। इस फॉर्मूला का यूज कर लिए, मान लो कि न्यू टाइम इज t2, डिस्टेंस तो वही है 400 किलोमीटर, लेकिन स्पीड हो गया x प्लस 12 किलोमीटर पर आवर, तो x प्लस 12, तो नया टाइम हुआ t2 इक्वल टू 400 अपॉन x प्लस 12 आवर, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो नया टाइम है वो पहले वाले टाइम से 1 hour 40 मिनट्स कम है, तो 1 hour 40 मिनट्स को पहले आवर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो 1 hour 40 मिनट को हम लिख सकते हैं 1 hour प्लस 40 मिनट, और 40 मिनट होगा
40 अपॉन 60 आवर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया, 2 2 4, 2 3 6, तो 1 आवर प्लस 2 अपॉन 3 आवर, तो एलसीएम लेने के बाद में आएगा 5 अपॉन 3 आवर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नया टाइम T2 पुराना टाइम T1 से 1 आवर 40 मिनट कम है। इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि T1 T2 से 1 आवर 40 मिनट ज़्यादा है, मीनिंग T1 माइनस T2 अगर करोगे तो 1 आवर 40 मिनट मिलेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 माइनस T2 इक्वल टू 1 आवर 40 मिनट, और 1 आवर 40 मिनट इज इक्वल टू 5/3 आवर, ठीक है। T1 कितना है, तो T1 है 400 अपॉन x, T2 कितना है, तो 400 अपॉन x प्लस 12, और राइट हैंड साइड में 5 अपॉन 3 आवर, इधर भी आवर है, आवर आवर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे न्यूमरेटर में 400 है, यहाँ भी न्यूमरेटर में 400 है, तो 400 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 400 कॉमन निकाल लो, तो इधर बचेगा 1 अपॉन x, और इधर बचेगा 1 अपॉन x प्लस 12, राइट हैंड साइड में 5 अपॉन 3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए, तो सबसे पहले x और x प्लस 12 का एलसीएम लो, तो मिलेगा x इंटू x प्लस 12, फिर x इंटू x प्लस 12 को x से डिवाइड कर लो, तो मिलेगा x प्लस 12, और इंटू 1, तो x प्लस 12 ही होगा, फिर x इंटू x प्लस 12 को x प्लस 12 से डिवाइड करो, तो मिलेगा x, और इंटू 1, x मिलेगा, और माइनस पहले से है, तो यहाँ x कैंसिल हो गया, और राइट हैंड साइड में 5 अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ से मिला 400 इंटू 12 अपॉन x इंटू x प्लस 12 इक्वल टू राइट हैंड साइड में 5 अपॉन 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 इंटू 400 इंटू 12 इक्वल टू 5 इंटू x इंटू x प्लस 12। अच्छा, 5 से 400 कैंसिल होगा, तो 5 भी इधर ही ले आ, 5 8 जा 40, और 1 0, तो 3 8 जा 24, और 24 इंटू 12, तो 2 7 6 0, और राइट हैंड साइड में x इंटू x x स्क्वेयर, और x इंटू 12 12x, इस 2 7 6 0 की इधर लेकर चले जाओ, तो मिलेगा x स्क्वेयर प्लस 12x माइनस 2 7 6 0, और इधर बच जाएगा 0, तो इक्वल टू 0। इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, देखो 2 7 6 0 को इधर लेकर चले जाओगे तो -2 7 6 0 हो जाएगा, इधर बचेगा 0। लेकिन मैंने क्या किया कि RHS वाले को LHS में लिख दिया और LHS वाले को RHS में लिख दिया। 2 7 6 0 को तुम लिख सकते हो 60 इंटू 48, और 60 माइनस 48 12 होते हैं, तो मिलेगा x स्क्वेयर प्लस 60x माइनस 48x माइनस 2 7 6 0 इक्वल टू 0। देखो यहाँ से तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों में x कॉमन है, और बचेगा x प्लस 60, यहाँ पे -48 कॉमन होगा, तो मिलेगा x माइनस 48, और राइट साइड में 0, जिसको फैक्टराइज करने के बाद में मिलेगा x प्लस 60 इंटू x माइनस 48, और राइट साइड में 0, ठीक है। तो इसके बाद x प्लस 60 इक्वल टू 0 होगा, मीनिंग x इक्वल टू -60, और x माइनस 48 इक्वल टू 0 होगा, तो वहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 48। लेकिन x क्या है, तो x इज स्पीड, स्पीड निगेटिव नहीं होता है,
तो इससे एक्स का वैल्यू माइनस 60 नहीं होगा, एस का वैल्यू कितना होगा 48 होगा, मतलब कि रिक्वायर्ड स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो रिक्वायर्ड स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आराम से प्रोसीड करना था, कुछ हड़बड़ाने की जरूरत नहीं था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए गर्ल गोज टू हर फ्रेंड्स हाउस विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर, सी कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर। इफ सी टेक्स 2 आवर्स 30 मिनट्स टू कवर द होल डिस्टेंस फाइंड x। तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, एक गर्ल है जिसको अपने फ्रेंड के घर जाना है और फ्रेंड का घर है 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, और वो लड़की हाफ डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर से चल रही है और रिमेनिंग हाफ x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और टोटल टाइम कितना है, तो 2 आवर्स 30 मिनट्स। 2 आवर 30 मिनट मतलब कि 2.5 आवर्स है। तो बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो देखो अगर टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर है तो 12 किलोमीटर का हाफ कितना होगा, 6 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस में डिस्टेंस कितना होगा, तो 12 किलोमीटर का हाफ विच इज 6 किलोमीटर। स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम क्या होगा, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 6, स्पीड है x, तो टाइम हो गया 6 अपॉन x आवर। और मान लो कि दिस टाइम इज t1। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकेंड हाफ के लिए काम करेंगे। तो सेकेंड हाफ डिस्टेंस में डिस्टेंस वंस अगेन 6 किलोमीटर होगा और स्पीड दिया हुआ है क्वेश्चन में x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो न्यू टाइम होगा उसके लिए फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो 6 किलोमीटर है और स्पीड है x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम हो गया 6 अपॉन x प्लस 2 आवर, और इस बार टाइम मान लो t2। ठीक है, अब टोटल टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। 2 आवर एंड 30 मिनट इज बेसिकली 2.5 आवर्स। 30 मिनट मीन्स हाफ आवर, हाफ आवर बोलो या 0.5 आवर बोलो, बात एक ही है। तो 2 आवर 30 मिनट्स इज 2.5 आवर्स। ठीक है, तो टोटल टाइम दिया हुआ है 2.5 आवर और टोटल टाइम होगा t1 प्लस t2। तो t1 है 6 अपॉन x और t2 है 6 अपॉन x प्लस 2 और दोनों मिला के 2.5 आवर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में 6 कॉमन निकाल लो, तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और राइट हैंड साइड में 2.5। ठीक है, अब यहाँ पे x और x प्लस 2 का एलसीएम लो, तो मिलेगा x इंटू x प्लस 2, फिर x इंटू x प्लस 2 को x से डिवाइड करो तो मिलेगा x प्लस 2 और इंटू 1 इज x प्लस 2, फिर x इंटू x प्लस 2 को x प्लस 2 से डिवाइड करो तो मिलेगा x और इंटू 1 इज x और राइट हैंड साइड में 2.5। तो यहाँ से हमें मिला 6 इंटू
एक्स प्लस सिक्स इज टू एक्स प्लस टू, तो सिक्स इंटू टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस टू, और राइट साइड में 2.5। अब एक्स इंटू एक्स प्लस टू के इधर ले चले जाओ तो मिलेगा सिक्स इंटू टू एक्स प्लस टू इक्वल टू 2.5 एक्स इंटू एक्स प्लस टू, ठीक है। अब इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 6 इंटू टू एक्स इज 12x, 6 इंटू टू इज 12, इधर 2.5x इंटू एक्स 2.5x स्क्वायर और 2.5x इंटू टू इज 5x, ठीक है। अब इन दोनों को राइट हैंड साइड लेके चले जाओ तो लेफ्ट साइड में 0, राइट साइड में 2.5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x इज माइनस 7x, और प्लस 12 इधर चला गया तो माइनस 12, ठीक है। तो इस चीज़ को तुम चाहो तो लिख सकते हो 2.5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12 इक्वल टू 0। मेरा लेफ्ट साइड में जो 0 था उसको राइट साइड में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2.5 इंटू 12 30 होगा, और 30 को तुम लिख सकते हो 3 इंटू 10, और 10 माइनस 3 7 होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों में 2.5x कॉमन हो गया, अंदर बच गया x माइनस 4, यहाँ पे 3 कॉमन होगा तो 2.5x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तुम फैक्टराइज कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब 2.5x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो 2.5x इक्वल टू माइनस 3 होगा, मतलब x इक्वल टू होगा माइनस 3 अपॉन 2.5, और यहाँ से x माइनस 4 इक्वल टू 0 मीनिंग x इक्वल टू 4। x है क्या, तो x है स्पीड, स्पीड नेगेटिव नहीं होता है, तो x का वैल्यू माइनस 3 अपॉन 2.5 नहीं हो सकता है, x का वैल्यू क्या होगा 4 होगा, इसलिए x का वैल्यू 4, ठीक है। तो हमें x का वैल्यू ही बताना था, तो x का वैल्यू क्या होगा 4 होगा, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 hours 30 minutes, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखो इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, एक बोट है जिसका स्पीड स्टिल वाटर में 15 किलोमीटर पर आवर है, तो गिवन है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो कि है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्टिल वाटर का मतलब हुआ कि पानी रेस्ट में है, जैसे मान लो कोई लेक है तो लेक में वाटर रेस्ट में रहता है, या बोल सकते हो लेक का जो वाटर है वो स्टिल है, तो स्टिल वाटर में बोट का स्पीड दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर, तो स्टिल वाटर में बोट किधर साइड भी जाए तो उसका स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा। लेकिन अगर वाटर मोशन में आ जाए, जैसे रिवर में वाटर मोशन में होता है, तो मान लो कोई बोट रिवर में चल रहा है तो रिवर में डाउन स्ट्रीम में स्पीड इंक्रीज कर जाएगा और अप स्ट्रीम में स्पीड डिक्रीज कर जाएगा। डाउन स्ट्रीम बोलने का मतलब होता है जिस साइड में वाटर का फ्लो है, और अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट टू फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि बोट पहले 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चला और फिर बैक कर गया टू द सेम पॉइंट, मतलब डाउन स्ट्रीम में भी वो 30 किलोमीटर चला, और इसमें टोटल टाइम है 4 hours 30 minutes मीनिंग 4.5 hours, तो बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो मान लो कि स्ट्रीम का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर,
कैलकुलेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स किलोमीटर पर आवर। तो बोट अप स्ट्रीम में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 30 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 30 किलोमीटर और टोटल टाइम है 4.5 आवर्स। ठीक है, तो पहले अप स्ट्रीम के लिए काम करते हैं। तो अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर। देखो बोट का स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। तो जब आप स्ट्रीम में जाएगा तो उसका स्पीड डिक्रीज करेगा और स्पीड कितना होगा तो 15 और x का डिफरेंस मीनिंग 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस दिया हुआ है 30 किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम मान लो t1 है, डिस्टेंस है 30, स्पीड है 15 माइनस 6। तो टाइम t1 हुआ 30/15-6 आवर। ठीक है, तो ये अप स्ट्रीम का टाइम निकल गया। अब डाउन स्ट्रीम के लिए तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा 15+6 किलोमीटर पर आवर। बोट का स्पीड स्टील वाटर में 15 किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम का स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर। तो बोट का नया स्पीड हो जाएगा 15+x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डिस्टेंस अभी भी 30 किलोमीटर ही है। ठीक है, तो जो नया टाइम होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मान लो कि न्यू टाइम इज t2, डिस्टेंस 30 है, स्पीड है 15+6 और टाइम आवर में होगा। तो न्यू टाइम t2 इज 30/15+x आवर। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल टाइम इज 4.5 आवर्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल टाइम मीनिंग t1+t2 इज 4.5 आवर। तो t1 है 30/15-6, प्लस t2 है 30/15+6 और राइट साइड में 4.5 आवर। आवर अब लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस साइड में न्यूमरेटर से 30 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 30 अगर कॉमन निकाल ले जाए तो मिलेगा 30/1/15-6 प्लस 1/15+6 और राइट साइड में 4.5। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो मिलेगा 30 डिनोमिनेटर में 15-6 × 15+x। इसके बाद 15-6 × 15+6 को 15-6 से डिवाइड करो तो मिलेगा 15+6 और इंटू 1 इज 15+x। फिर प्लस 15-6 × 15+x को 15+x से डिवाइड करो तो मिलेगा 15-6 और इंटू 1 तो 15-6 और राइट हैंड साइड में 4.5। ठीक है, तो यहाँ पे एक 6 कैंसिल हो जाएगा और 15+15 30 होगा। तो न्यूमरेटर में हो गया 30 × 30 और डिनोमेटर में 15-6 × 15+6 मतलब 15 square + x square। तो 15 square होगा 225 और -x square राइट साइड में 4.5। अब 225 - x² को राइट साइड लेके चले जाओ और 4.5 को इधर ले आओ तो मिलेगा 30 × 30/4.5 और राइट साइड में 225 - x². तो 3 के टेबल में 4.5 1.5 टाइम्स में होगा और 30 10 टाइम्स में और 1.5 2 या 3 तो 1.5
इंटू 20 इज 30। तो लेफ्ट साइड में 10 इंटू 20 200 और राइट साइड में 225 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ और 200 को इधर ले आओ तो मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 200। तो 225 माइनस 200 इज 25। तो एक्स स्क्वायर अगर 25 है तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 5। लेकिन एक्स है क्या, तो एक्स है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए इसका वैल्यू माइनस 5 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का प्रॉब्लम तुम पहले भी सॉल्व किए होगे, यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक का यूज करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम। ए गुड्स ट्रेन लीव्स ए स्टेशन एट 6 PM फॉलोड बाई एन एक्सप्रेस ट्रेन विच लीव्स एट 8 PM एंड ट्रेवल्स 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर दैन द गुड्स ट्रेन। द एक्सप्रेस ट्रेन अराइव्स एट ए स्टेशन 1040 किलोमीटर अवे 36 मिनट्स बिफोर द गुड्स ट्रेन। Assuming that the speeds of both the trains remain constant between the two stations, calculate their speeds. तो मान लो गुड्स ट्रेन का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड होगा x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो लेट द स्पीड्स of goods train and express train be x kilometer per hour and x plus 20 kilometer per hour respectively. इसका मतलब हुआ गुड्स ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और डिस्टेंस दोनों के लिए दिया हुआ है 1040 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर बोथ ट्रेन्स इज 1040 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन टाइम दोनों का डिफरेंट है। अब देखो दोनों का स्पीड पता है और दोनों का डिस्टेंस भी पता है, तो दोनों का टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम फॉर गुड्स ट्रेन, तो मान लो कि गुड्स ट्रेन के लिए टाइम है T1 और टाइम के लिए फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें मिला T1 इक्वल टू डिस्टेंस इज 1040 किलोमीटर एंड स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम T1 हुआ 1040 अपॉन x आवर। ठीक है, इसके बाद मान लो कि एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है T2। ठीक है, तो टाइम फॉर एक्सप्रेस ट्रेन मान लो T2 है, तो T2 इज वंस अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 1040 लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड है x प्लस 20। तो टाइम T2 मिला 1040 अपॉन x प्लस 20 आवर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुड्स ट्रेन स्टार्ट्स एट 6 PM एंड एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट्स एट 8 PM एंड एक्सप्रेस ट्रेन रीचेज डेस्टिनेशन 36 मिनट्स अर्लियर। इट मीन्स ओवरऑल एक्सप्रेस ट्रेन इज 2 hours 36 मिनट्स फास्टर देन द गुड्स ट्रेन। 2 hours कहाँ से है,
तो 6 PM से 8 PM के बीच का गैप है 2 आवर। तो एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट्स 2 आवर्स लेट एंड रीचेज 36 मिनट्स अर्लियर। इट मीन्स एक्सप्रेस ट्रेन इज ओवरऑल 2 आवर 36 मिनट्स फास्टर देन द गुड्स ट्रेन। ठीक है, मतलब टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज स्मॉलर देन टाइम फॉर गुड्स ट्रेन। मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 माइनस T2 इक्वल टू 2 आवर 36 मिनट्स। ठीक है, तो T1 है 1040 अपॉन x और T2 है 1040 अपॉन x प्लस 20। 2 आवर तो 2 आवर ही होगा, 36 मिनट्स को हम लोग लिख सकते हैं 36 अपॉन 60 आवर। ठीक है, तो दिस इज 2 आवर प्लस 36 अपॉन 60 आवर। तो 12 3 जा 36, 12 5 जा 60। इस साइड में 1040 कॉमन निकाल लो तो मिलेगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 20, और राइट साइड में 2 प्लस 3 अपॉन 5, तो 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13, तो 13 अपॉन 5 आवर। अच्छा, इधर भी आवर है, इधर भी आवर है, तो आवर लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में 1040 इंटू, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो डिनोमिनेटर में x इंटू x प्लस 20, न्यूमरेटर में x प्लस 20 माइनस 6, और राइट हैंड साइड में 13 अपॉन 5। यहाँ पे x x कैंसिल हो गया, तो LHS में न्यूमरेटर में 1040 इंटू 20 अपॉन x इंटू x प्लस 20, और RHS में 13 अपॉन 5। देखो 13 के टेबल में 1048 बार में आते हैं, तो 13 8 जा 104, और एक जीरो है तो जीरो भी रहेगा। अब ऐसा करो कि 5 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ और x इंटू x प्लस 20 को राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ। ठीक है, तो हमें मिलेगा 80 इंटू 20 इंटू 5, और RHS में मिलेगा x इंटू x प्लस 20। तो 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, और 2 जीरो। राइट साइड में x इंटू x x स्क्वेयर प्लस 20 इंटू x इज 20x। 8000 को इधर ले चले जाओ तो मिलेगा x स्क्वेयर प्लस 20x माइनस 8000 इक्वल टू जीरो। 100 इंटू 80 इज 8000, और 100 माइनस 80 इज 20। तो मिडिल टर्म हम ब्रेक कर सकते हैं, x स्क्वेयर प्लस 100x माइनस 80x माइनस 8000 इक्वल टू जीरो। ठीक है, इन दोनों टर्म से x कॉमन निकाल लो तो मिलेगा x प्लस 100, इन दोनों में माइनस 80 कॉमन हो जाएगा तो मिलेगा x माइनस 80, और राइट साइड में जीरो। मतलब इसको फैक्टराइज करने के बाद में ऐसा आएगा। ठीक है, मीनिंग x इक्वल टू माइनस 100 और x माइनस 80 इक्वल टू जीरो, मीनिंग x इक्वल टू 80। लेकिन x स्पीड है और स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए x इक्वल टू 80 होना चाहिए। तो इसलिए स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसलिए स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर विच इज 80 किलोमीटर पर आवर एंड
स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज एक्स प्लस 20 मीनिंग 80 प्लस 20 विच इज 100 किलोमीटर पर आवर. ठीक है,